Rolling. Welcome to Forum 32, Ketan. कुछ तो बोलो. Hi, I'm Ketan. In Arjun, I'm Chotu. It's the inspector in the land party. And show के बारे में क्या कहूँ? जान है मेरी. सुबह शाम रात दिन ऐसा एक दिन एक घंटा नहीं गुजरा जब शो के बारे में कभी सोचा नहीं कुछ. आई लव द शो एंड 1.5 साल मीन्स मतलब हर दिन हर रात और सब कुछ एवरीथिंग. शो इज़ माई एवरीथिंग एंड कैसे रहूँगा इस शो के बिना. कल लास्ट 3-4 डेज से जब पता चला है कि इस सीन के बारे में तो नींद नहीं आ रही और अजीब सा कुछ लग रहा. और स्टूडे जब मैं आ रहा था सेट पे 2 बजे अचानक जब पवई के बाद मैंने भांडव के लिए लेफ्ट मारा. आई एम फीलिंग वेरी सैड एंड नहीं बोल सकता कि शो के बारे में. इट्स माई जान, इट्स एवरीथिंग, इट्स टचिंग टू माई हार्ट. सब कुछ शो ने बहुत कुछ दिया, बहुत एवरीथिंग. दिस रोमांस इज देयर, फाइट की मैंने, काफ़ी सारा ड्रामा किया मेरे जितने भी कोआर्टिस्ट के साथ, अर्जुन के साथ सर करते 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 उनके बारे में भी बहुत एक इज्जत बढ़ गई थी. इज ACP एंड आई एम इंस्पेक्टर. और काफ़ी इतने सारे एपिसोड किए, लगभग 135 एपिसोड कर चुके थे. और ये जो एक्सपीरियंस है इट्स बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. और माई यूनिट द एवरी वन दैट्स फ्रॉम मेकअप से लेके मेकअप, हेयर, कैमरा, जो हमारा दादा स्पॉट दादा जो हमें चाय पिलाते हैं तो बुलाएंगे. आ जाए आप, आ जाएं फ्रेम में आएं. ये हमारे हैं अतुल दादा जो हम मेकअप करते हैं एंड कुर्सी ले लेना. ये हमें चमकाते हैं, हम कुछ नहीं करते सर, हमको ये चमकाते. कुर्सी ले लीजिए. ठीक है ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए, हमें अच्छा लगेगा. प्लीज का तो ये हमें चमकाते हैं. हम बस सेट पे आते हैं और बस सीट पे बैठो और कुछ नहीं करना बस. और ये अपने हाथों से चमकाते जो कभी फ्रंट में नहीं आते लेकिन बैक स्टेज पे हमें हमेशा ये हीरो है और हम जीरो. नहीं आप जीरो नहीं हो तो ये हीरो है, हम जीरो लेकिन उसके बाद हम हीरो बन जाते हैं. जो इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है जो कभी दिखने में नहीं आती, बट यही वो इंसान है और यही वो सारे दादा है जिनके वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे. कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा हाथ है जो कभी किसको दिखने में नहीं आता. एवरी पर्सन ऑन द यूनिट मीन्स वॉट द स्पॉट दादा जो हमें चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं. दैन द लाइट जिनका बहुत बड़ा हाथ है. अगर लाइट ना हो तो हम दिखेंगे ही नहीं. हमारा इंटरव्यू तो वैसे ही हो रहा है डेफिनेटली. तो हर वो चीज़ इस शो में इन्वॉल्व है. मेरे लिए बहुत मायने रखती है. केतन को बहुत पसीना आता है और मुझे पसीना बहुत आता है. आप यहीं बैठे रहे तो मुझे पसीना बहुत आता है. और ये सेट जहाँ हम बैठे हैं कॉन्फ्रेंस रूम, यहाँ ना जाने कितने सीन किए हुए हैं एक साथ में मिलके बैठ के केस डिस्कस किए हुए हैं हम लोग अर्जुन के साथ कि सर आज ये मिला, ये क्लू मिला है, ये लीड मिली है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है. कुछ कभी नहीं बोल सकते. राइट. मैंने देखा है इन्होंने, आप ही बाल बनाते हैं ना, तो बाल बनाए हैं आपके, स्पेशली आपके कर्ली बाल हैं तो पहले वो जेल वगैरह कॉम करके फिर उसको ट्वर्ल करते हैं. सो आई हैव सीन हिम वर्क ऑन यू एवरी डे. सच में मतलब एवरी डे बस सेट पे आना और उसके बाद बस एक मशीन की तरह काम शुरू होता है हमारे पीछे जो रात तक चलते रहता है. आई वुडंट से इट्स अ मशीन क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगती मशीन जैसी हैं एंड इट बिकम्स सेकंड नेचर कुछ टाइम के बाद. क्योंकि आपको पता है लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ से लाइट लेनी है, वहाँ उतना जाना, ये मार्क है, वो है, जो भी है जो बड़ी टेक्निकल चीज़ें लगती हैं पर उसमें ही क्रिएटिविटी छुपी हुई है. उसमें हर चीज़ में क्रिएटिविटी है. जो हमारे क्रिएटिव्स है वो इतना काम करते हैं हर स्क्रिप्ट के पीछे, हर जगह पे. मतलब एक ग्लास क्यों ना हो छोटा सा, उस ग्लास के पीछे भी कुछ ना कुछ चीज़ें छुपी होती है जो आफ्टर द व्हेन आई सी द एपिसोड कि ये ऐसा क्यों है, हमें भी तब मालूम पड़ जाता है कि हम लोग इतने बिजी होते हैं कि यार हर चीज़ हम नहीं देखते कि स्क्रिप्ट हाल में मिलने के बाद ये डायलॉग कैसे बोलना है, किस तरह से, किस एंगल में बोलना है, किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है, हम वो चीज़ें ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे क्रिएटिव्स, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, एवरीबॉडी बस उस चीज़ के पीछे पड़ते हैं कि यार ये चीज़ कितनी अच्छी दिखे ऑन स्क्रीन। आपने कॉमेडी किया है श्री के साथ स्पेशली, राइट, आपने इमोशनल सीन्स किए हैं, सिर्फ हमें आज तक वो 11 बजे वाली नहीं मिली। हाँ, वो 11 बजे डिपार्टमेंट स्टोरी तो पता नहीं कि कहाँ गायब हो गई और वो बस वो एक चीज़ रह गई। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब होता है स्क्रिप्ट में आगे पीछे होने के चक्कर में, तो मेरे ख्याल से उसको कोई मुझसे अच्छा लड़का मिल गया रेखा और उसके वहाँ पे शादी हो चुकी होगी। ऐसा बोल सकते नहीं, वो तुम्हारी याद में कहीं या गुम हो रही लेकिन हाँ, 11 बजे वाली एक है जो तुम्हारा रोमांटिक एंगल नहीं आ पाया, वो नहीं आ पाया। लेकिन अदरवाइज आई थिंक यू हैड अ फैबुलस टाइम। बहुत 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 अच्छा टाइम बीता, मतलब पता नहीं इसके बाद कल से हर घंटे हर दिन कैसे गुजरेगा नहीं पता, क्योंकि ड्यूटी कैसी होती है एक पुलिस ऑफिसर की वो हमने पहचाना है कि जो रियल में जो ड्यूटी करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं और अपना वक्त कितना देते हैं ड्यूटी में, और घर वालों के साथ होते ही नहीं है। तो वो पूरा का पूरा जो सिस्टम मैंने देखा है लास्ट 1.5 साल में, इट्स अमेजिंग। आपने इस इंस्पेक्टर की ज़िंदगी से कुछ अपनी ज़िंदगी में ढाला है? डेफिनेटली एक डिसिप्लिन और एक सोच, नज़रिया कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा बदल गया है उस चीज़ के बारे में कि किसी चीज़ में सोच बहुत ज़रूरी होती है। हम जब छोटे होते हैं, हम जब बड़े होते हैं तो उसके साथ हमारे सोच भी चेंज होती है। लेकिन इस शो ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई और कैसे कैसे इंसान आगे बढ़ता है और किसी की सोच बदलती है, नज़रिया बदलता है, ये शो ने बहुत कुछ सिखाया। एक सवाल पूछूं, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं आप? अभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहता तो हूँ, लेकिन इतनी घाई होती है कि पहुँचना होता है सेट पे, तो वो कहीं ना कहीं। और सेकेंडली कि ये शो करते करते खुद को कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर समझने लगा हूँ अंदर से, तो मेरे लिए हर मतलब सिग्नल तो बस सिग्नल है नहीं, बस निकलना है। कोई नो एंट्री। मुझे अभी भी याद है कि हमने आपसे एक बार रिक्वेस्ट किया था जब हम थाने में शूट कर रहे थे, थाने क्रीक पे रात को तकरीबन 3 बजे थे, तो मैंने कहा था प्लीज़ आप मेरे साथ चलना हाईवे तक, और आप भाग गए थे। मुझे याद है मैं बस वो चलाने के चक्कर में निकल गया और मुझे ध्यान भी नहीं आ रही, मेरे पीछे विशाल भी आ रही है। ठीक है, तो तब से मुझे पता चल गया कि यू ड्राइव वेरी फास्ट, नॉट दैट आई डोंट, बट तुम्हारी गाड़ी के साथ मेरी गाड़ी कंपीट नहीं कर सकती। साइज डज मैटर, यू सी, साइज डजंट मैटर। सही है, मैं ये सवाल करना नहीं चाहती, मगर हाँ, अब आज आखिरी दिन है और मुझे पता है कि आपके पास कुछ इसके रिलेशन में एक कुछ बोलना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ कहिए। एक्चुअली आई हेट द लास्ट डे मैं कभी चाहता ही नहीं था अर्जुन का, बस ये चलता रहे और मतलब अभी भी वो सीन मेरा आया नहीं है जिसमें हम लोग सारी ETF टीम ख़त्म हो जाती है, और मैं चाहता भी नहीं वो सीन आए। ऐसा कुछ हो जाए आगे आने वाले घंटे में कि दुनिया उधर की उधर हो जाए, पृथ्वी घूम जाए, भगवान कुछ ऐसा करे कि समथिंग कि नहीं, ये नहीं करना। तो मैं चाहता नहीं कि टीम से अलग हो जाऊँ, जुदा हो जाऊँ, लेकिन बस कोई वर्ड नहीं है बोलने का, तो मैं रो पड़ूंगा यार। आई नो, प्लीज़ आप रोइए मत। आई वॉन्ट टू जस्ट हैव यू टॉक टू योर फैंस कि जो आपको अब छोटू के रूप में नहीं देख पाएंगे, सॉरी, बट आपने एक फिल्म की है, कनाडा फिल्म की है, अभी आगे एक फिल्म कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। क्योंकि वेल, मेरे पास काम तो काफ़ी सारा है। आई एम डूइंग अ फिल्म, प्रभुदेवा की फिल्म का एक्शन जैक्सन, उसमें मैं नेगेटिव कर रहा हूँ। देन एक मेरी फिल्म हमारे कन्नड़ा 27 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, और एक कन्नड़ा मूवी है मेरे हाथ में आ रही है। इवन मेरे पास कुछ शोज़ भी ऑफर हो रहे हैं, बस काफ़ी सारा काम आ रहा है। but Arjun is it's my जान. ये आपका पहला शो था टेलीविजन पे एज अ सीरियल लेवल पे, मेरा पहला शो था डेफिनेटली. फिल्म में काफ़ी कर चुका था, एड फिल्म काफ़ी कर चुका था, लेकिन अर्जुन मेरा पहला शो था. और ऐसे शो की मुझे तलाश थी कि जो मेरे लेवल पे कुछ हो, ऐसा रोल मुझे चाहिए था. वो वैसा ही रोल निकला और बस आई एन्जॉय द रोल डेफिनेटली. राइट, मुझे आपके बेस्ट हाईलाइट वाले एपिसोड जो थे, एक तो अमित क्या है, मैं बंद करूं? ठीक है, बंद कर, वो लाइट बंद कर रहे हैं 10 मिनट के लिए.